हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, क्या हाल है। मैं हॉस्पिटल में देखो आया हूँ। देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 8:30 बज रहे हैं। एंजल भी देखो बैठी हुई है, और ये एंजल की दादी बैठी हुई है, और हम अभी हॉस्पिटल में आए हुए हैं। देखते हैं अभी, और एंजल की मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती हुए है ना। बोलो, एंजल की मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। एंजल फालतू में रोना मचा रही है और रोना मचा रखी है, फिर रोने लग रही है। अभी देखते हैं क्या होता है। एंजल की वो अभी आएंगी अभी थोड़ी देर में। अभी तो एंजल परेशान है, अकेले अकेले बैठी है, मोबाइल मांग रही है। एंजल कुछ कहना, कुछ कहना बोलो। एंजल रो रही थी अंदर जाकर। चलो, एंजल रो रही थी, अब देखते हैं। दे में बना अभी फाइल बनवा लिए, अभी वेट कर रहे हैं, ऑपरेशन होगा तो बने रहिए हमारे साथ। मैडम को हॉस्पिटल में ले गए हैं, हम बाहर यहाँ वेट कर रहे हैं। एंजल भी बैठी हुई है, एंजल की दादी भी बैठी हुई है। एंजल देखो बार बार कुछ ना कुछ कहना जा रही है, परेशान है। अभी देख रहे हैं, ऑपरेशन चालू कर दिया, अभी वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। मैंने देखिए इसके लिए गाइस, ऑपरेशन हो चुका है, और एंजल की बुआ आई है, और एंजल से एक छोटा सा बेबी आया है, एंजल से छोटा। अब एंजल से भी छोटा कोई आ चुका है, एंजल उसे डांटेगी, है ना एंजल? कौन छोटा बच्चा? ओ हाय, एंजल से छोटा भी आ चुका है। अब एंजल एकदम मचाएगी उसके साथ में। अब एंजल हमारे दो बेबी हो चुके हैं, एक एंजल एक और बेबी, और ऑपरेशन से हुआ है तो अभी देख, अभी यही बताएंगे, अभी देखते हैं। सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी है, यशोदा मेरी दादी भी तो कल ही आ गई थी ना, दादी से कल आ गई थी, बुआ भी आ गई। अभी दो दिन तक तो आ जाइए, बुआ कल नहीं आई, दादी कल आएंगी। अब हॉस्पिटल में तो यहाँ आई है ना, वो तो यहीं पास में रहती है ना, तो हम यशोदा हॉस्पिटल में अभी कल डिस्चार्ज होगा, कल नहीं दो दिन बाद डिस्चार्ज होगा मैडम का। अभी तो सब ठीक है, आपका ब्लेस चाहिए बच्चे को तो ब्लेस दीजिए। थैंक यू सो मच, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना मत भूलना, हमारी पूरी वीडियो देखें, और हमें कभी अनसब्सक्राइब मत करना। दूसरे मिलेंगे ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।